दरभंगा में बनकर तैयार हुआ बहुउद्देशीय भवन का आज फीता काट कर उद्घाटन किया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग की मंत्री और दरभंगा की नगर विधायक संजय सरादगी, दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन और भी कई गणमान्य लोग को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया गया। और इस बहुउद्देश भवन को बनने से किस तरह का लोगों को फायदा होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। ये माइनॉरिटी अकलियत के बुजुर्गों का जमीन है, जिन्होंने दान दिया है, वक्त दिया है, माइनॉरिटी के गरीबों, कमजोर जो बेसहारे लोग हैं उनके लिए। अब क्या लोग बिल आता है देखने के बाद मालूम होगा। और उसमें बहुत कुछ नया चीज भी आप लोगों के द्वारा हम सुन रहे हैं, जो आप मीडिया के साथी हो बता रहे हैं। भाई अभी तो बिल आया नहीं है, बिल आने के बाद क्या होता है बताया। जो कुछ जमीन की चर्चा यहाँ हुई, क्या लोग उसका कब्जा कर रहे हैं यहाँ की, अगर कोई कब्जा किया होगा, कोई होगा, वो कब्जा से मुक्त कराया जाएगा। जो अधिकारी है उनको आज मैं बात करूंगा, वो कब्जा से मुक्त कराया जाएगा। कोई चंदन पट्टी जमीन के बारे में जो जिक्र किया गया है, वो लंबे समय से उसमें कब्जा किया गया है। डीएम साहब से बात करते हैं, हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये विकास मॉडल है, जो पूरे बिहार के साथ साथ अखिलेती समाज को ये बहुत बड़ा तोहफा, ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग का आज जो उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय मंत्री हम लोग जो आए हैं, ये दरभंगा जिले को एक नायाब तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। और इस तरह की बिल्डिंग हर जिले में ये करीब करीब लगभग 10 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। हर जिले में एक एक आवासीय विद्यालय 56 से 60 करोड़ की वजह से बनाया जा रहा है, ताकि अखिलेती समाज तालीमी स्ट्रीम से जुड़े। ये हमारे मुख्यमंत्री का मेन मिशन है, मेन मंशा है। मिल्लत कॉलेज के बगल में बहुउद्देशीय भवन बना है, इस पूरे इलाके का और दरभंगा जिला के लोगों के लिए ये बड़ी बात है। या जो कोई मांगलिक कार्य हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, इस सब में जो है यहाँ उपयोग में दिया जाएगा। इसके लिए मैं अनुसंधान विभाग के माननीय मंत्री जमा खान साहब और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आई, जो सुन रहा था। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ भैया जी और तमाम साथी जो कमिटी के लोग हो, हम तो बैठ के बात कर लेंगे, चूंकि आपके यादव चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जनाब खुर्शीद साहब मौजूद हैं, जरूरत पड़ी तो मैं भी रहूंगा, बैठ के हम बात कर लेंगे, तय कर लेंगे कैसे क्या करना है। कुछ चीजें होती है जो मन से नहीं कही जाती, बैठ कर की जाती है, हम लोग बैठ लेंगे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि आपके बीच का मैं भी हूँ, मैं आपके बीच में आता भी रहा हूँ। जो नेता किसी समाज का सोच है आप जानते हैं, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच तो नहीं है, लेकिन इतना हमारे समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से सरकार का और ये मंत्री जो आए थे जमा खान साहब और हमारे इसदुल्ला साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आवाम को बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बहुत सारा फायदा है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जो बना है ये मैरिज हॉल ही नहीं है, इसमें आपको मैरिज हॉल है प्लस जो है आपको कोचिंग सेंटर है, खोल सकते हैं आप। इसमें जो है आपको फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें 10 बेड भी है दुल्हा दुल्हन को रहने के लिए। बहुत सारे हमारे इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार का भी, नीतीश कुमार के ही, क्योंकि उन्हीं के इससे बना है सौजन्य से। कुल कितने की लागत से बना है? 9,57,00,000 समथिंग से। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में होटलों के दाम बढ़ गए हैं, व्यवसायिक जो भवन है विवाह भवन उसके दाम बढ़ गए हैं, तो इसके खुलने से इस आसपास हाँ, क्या गरीब लोगों का भी भला इससे है। इसके लिए हम लोग रेट तय के लिए कहा गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से जो गरीबों की मदद हो, जो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 में जो होता है, ये आपको हम मेरे इससे 50,000 में 55,000 में आपको हो जाएगा। कब तक ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिलने लगेगा? ये आज उद्घाटन हुआ है, अब ऊपर से क्या आदेश आता है, हम लोगों की मीटिंग है, फिर उनसे फिर लेकर के राय मशविरा करके हम लोगों से मांगा गया है, अभी रेट मांगा गया है, तो वो हम लोग तय करके भेजेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान अल्लाह।